हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो हम मैच कवर करने जा रहे हैं वो है कल का बिग बैश का मैच, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का। तो इससे पहले, आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए नए आए तो आपको पता होना चाहिए आप किस बंदे को फॉलो कर रहे हैं। तो देख सकते हो मेरी ड्रीम इलेवन की प्रोफाइल है ये। तो मैंने दो हफ्ते पहले जो भी है ग्रैंड लीग में हमारा रेगुलर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रही है रेगुलर ग्रैंड लीग में भी। तो ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। कई बंदे कहते हैं कि भाई अब ग्रैंड लीग दिखा रहे 50,000 शो। भाई 50,000 रुपये यार स्मॉल लीग में मैं 3-4 दिन में मतलब कमाई लेता हूँ स्मॉल लीग से। 50,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसलिए होता है कि कोई नया बंदा उसको बताने के लिए कि यार आप किस बंदे को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत टीम देने वाले हैं। तो फिर मैं बताता हूँ स्पेशलिटी हमारी ये बता देता हूँ कि भाई हाँ कि हम मैंने ग्रैंड लीग जीती है, बस स्पेशल बता देते हैं, कुछ नहीं और कुछ बड़ी बात नहीं है। 50,000 रुपये तो हर कोई जीत के चले जाता है यार। तो बस यही बात है। और तो मिलते हैं, मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा खींचेंगे इस बात को। और अगर आप हमारे चैनल में नए नए आए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है हमारा, फ्री का। इसमें फ्री टीम मिलेगी स्मॉल लीग की, आपको लास्ट टाइम पे अपडेट्स वगैरह सब मिलेगी। इसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा हर जगह। बिना गैप दिए सर्च मारना है, आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे वीडियो के कमेंट में नीचे मिल जाएगा, और वहाँ से फटाफट ज्वाइन कर लेना। और बहुत सारे मतलब अभी बहुत सारे मैचेस आने वाले अंडर 19 वगैरह के, वर्ल्ड कप जो है अभी तो प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं अंडर 19 के, वो सबसे रिस्की है क्योंकि उसमें किसी प्लेयर को बैठा देते हैं। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, प्लस IPL है, तो बहुत धमाल मचाने वाले हैं। हमारे ग्रुप में से ही कोई ग्रैंड लीग जीत कर जाएगा, वीडियो पूरा देखा करो। तो चलो आते हैं हम मुद्दे पे। हमने जो पहला मैच की वीडियो डाल चुका मैं, जो थंडर्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स का मैच है, उसकी वीडियो डाल चुकी है, जाके देख सकते हो। तो मैच कट करते हैं। मिचेल मार्श, ये भाई बंदा अब दो मैच से अच्छी फॉर्म में आ गया, बीच में थोड़ा डगमगाया हुआ लग रहा था, तो अभी अच्छी फॉर्म में आ गया। प्लस कैप्टन है, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग भी कर रहा है, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स देके जा रहा है। तो हमारे सबकी कैप्टन मिलेगा कल आपको टीम में, तो हमें भी करके जाना है स्मॉल लीग में। थोड़ा एक चीज़ दो चीज़ सेम रखनी, थोड़ा सेफ रखना, पर अगर हम किसी और कर देंगे वो ग्रैंड लीग में कर सकते हैं, पर स्मॉल लीग को स्मॉल लीग की तरह से खेलें तो ज़्यादा बेटर है। जाहिर हसन की बात करें तो पिछले मैच का कैप्टन था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट टेकर था, 4 विकेट ले गया था ये। तो मैं पहले ही मैच से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये मुझे बंदा मतलब स्पेशल, मैं BPL स्टार्ट होता है तब से ही बोलता हूँ बंदा मुझे स्पेशल बहुत सही लगता है ये बंदा, क्योंकि जब उसकी बॉलिंग करता है मतलब पूरी शिद्दत से बॉलिंग करता है बंदा, इसकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लस इंडिया जब पिछले साल इंडिया आई थी शायद ऑस्ट्रेलिया, उसने 4 विकेट भी लिए थे एक मैच में। तो ये मतलब ये बॉलिंग बंदे में बॉलिंग मतलब ये पूरा अच्छी बॉलिंग करता है, प्लस बैटिंग भी कर लेता है। बात तो ये है, बैटिंग आती है तो बैटिंग भी कर लेता है। इसने एक मैच अभी पिछले 13 बॉल पे कुछ 31-36 रन मारे थे लास्ट में आके, तो दोनों तरीके से आपको पॉइंट दे जाता है। और जॉल पैरिस की बात करो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग की कुछ है नहीं, एक अच्छा बॉलर है बट बड़ा नाम नहीं है, तो स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग की पिक बनता नहीं है। बैनक्रॉफ्ट की बात करें तो इस बंदे का ऐसा है कि एक मैच चलता एक मैच फ्लॉप, एक मैच चलता एक मैच फ्लॉप, एक मैच चला एक मैच फ्लॉप। तो अभी पिछले मैच में कुछ अच्छा करा नहीं है, तो इस मैच में चल सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। कुछ पैटर्न होता है कुछ प्लेयरों का जो चलने का, वो ऐसे होता है। और इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, बहुत अच्छा प्लेयर है, टेस्ट मैच खेल चुका है, ओपनिंग कर चुका है। लैम लिविंगस्टन की बात करें तो लैम लिविंगस्टन जो प्लेयर है ये T20 में आपने खेलता देखा होगा, ओपनिंग करते हुए देखा होगा उसे आपने लैंकशायर की तरफ से, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग, वहाँ से पूरे 4 ओवर डालता है, यहाँ एक आधी ओवर डालता है। तो ये पिछले मैच में हमने कैप्टन बनाया, कैप्टन कुछ नहीं बनाया था, तो मुझे पता था कि जल्दी आउट हो जाएगा, आउट हो गया था। पर इसको क्या लास्ट में टीम जब जीती रही थी 8 विकेट गिर गए थे, तो इसको बॉलिंग दे दी, इसने 7 बॉलों में 2 विकेट निकाल लिए। तो यही होता है थिंकिंग, प्लस कैप्टन हम कर सकते हैं इसको स्मॉल लीग में। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सैम विटमैन, इसके बारे में बात करें तो इसने, मैंने इसको अभी तक पिछले 2 सीज़न में एक ही बार चलते हुए देखा, जिसमें इसने 60-70 रन मारे थे जब इसकी टीम पूरी फ्लॉप हो रही थी, तो ये अकेला बंदा रन मार रहा था। उसके बाद मैंने इसको चलते हुए कभी देखा नहीं है, तो क्या पता वो पिछले सीज़न की बात दोहरा दे कल, तो ऐसा हो सकता है। तो ग्रैंड लीग की एक टीम में जरूर ट्राई कर लेना सैम विटमैन। और इसकी बात करें तो मैथ कैली, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में यॉर्कर किंग, और लास्ट में डेथ में आके बॉलिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है, विकेट ले जाता है। यॉर्कर किंग मतलब जैसे बुमराह डेथ में आके बॉलिंग करता है और यॉर्कर डिलीवरी डालता है, तो यॉर्कर डिलीवरी खेलनी मुश्किल होती है, और मलिंगा जैसे को वही यॉर्कर डालता है तो बहुत डिफिकल्ट आता है लास्ट टाइम आना, तो विकेट वहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उसको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए पिक नहीं है अभी ये। टीम डेविड्स को आपने सिंगापुर को कैप्टनसी करते हुए देखा होगा, ये बैटिंग बहुत अच्छी उसने वहाँ से करी, प्लस 50-50 रन बहुत बार मारते देखा होगा, प्लस पार्ट टाइम भी अपने वहाँ 3-4 ओवर डालता था, तो उसने पिछले मैच भी एक आधा ओवर डाला भी था। तो एक अच्छी पिक बन सकती है हमारे लिए ये ग्रैंड लीग की। जॉर्डन मॉर्गन, ये भी जेरॉन मॉर्गन, ये पता नहीं इसका कोई नया नाम लग रहा है, पहले स्क्वाड में ऐड हुआ है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको मत लेना ना स्मॉल लीग में ना ग्रैंड लीग में, कल शायद खेलने का मौका मिले भी ना मिले। कैमरन ग्रीन की बात करें तो कैमरन ग्रीन तो यार बंदे का कोई मतलब स्मॉल लीग के लिए तो पिक नहीं, ग्रैंड लीग में इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। वैसे एक मैच में इसको मैंने रन मारते हुए देखा था, अच्छा खासा खेला था,
उसके बाद मैंने किसी मैच में देखा नहीं सेलवा को, तो इसको इतना कोई इंपॉर्टेंस मत दो। क्रिस जॉर्डन की बात करें तो ये मेरे लिए ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस होने वाला है, क्योंकि ये बंदा बैटिंग प्लस बॉलिंग से बहुत अच्छे पॉइंट देता है, विकेट टेकर मतलब T20 का स्पेशलिस्ट कहा जाता है इसे, इंग्लैंड का बॉलर है और इसको मैंने बहुत बार चार चार बार तीन तीन विकेट निकालते हुए देखे हैं। फील्डर भी बहुत अच्छा है, प्लस बैटिंग भी अच्छी कर लेता है जब इसको मौका मिलता है, तो छक्के ओके बहुत अच्छे मारता है, तो एक ग्रैंड लीग की पिक बन सकता है आपकी स्मॉल लीग में तो रखना ही है। और फवाद अहमद की बात करें तो ये बस कंसिस्टेंट विकेट टेकर बॉलर है, इसको जब से मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से बहुत अच्छा मतलब विकेट लेके जाता ही जाता है, और इसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले जितने भी ऑल ओवर दी क्या कहते हैं वर्ल्ड में जो टूर्नामेंट्स थे ग्लोबल T20, और शायद आपने से एक आधी और लीग में देखा होगा, वहाँ पर विकेट बहुत बार लिए मैंने इसको बहुत बार देखा है, अभी इसने T10 में भी देखा होगा आपने। जॉश इंग्लिश की बात करें तो ये मतलब बंदा ओपन कर रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है, कैचिंग वगैरह का पॉइंट दे रहा है, प्लस बैटिंग कंसिस्टेंट बहुत अच्छे रन मार रहा है, जिसको स्मॉलिंग में छोड़ना मत। इस टीम की बात करें तो मतलब इस टीम का कुछ अलग ही चल रहा है, टॉप में चल रही है, और ये ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल तो हमारा कैप्टन मैं रखूँगा, क्योंकि और स्पेशली जब कैप्टन रखूँगा से अगर मेलबर्न स्टार ओपन कर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। हिलकंड का अटैट की बात करें तो इसने कंसिस्टेंट रन मारे 2 मैच में, मैंने बोला भी था जब इसको पहले मैच में जब ये आया था मैंने कहा इसको ले लो क्योंकि ये इंटरनेशनल खेल चुका है, और प्लस इसको इसने बहुत रन मारे हुए हैं पीछे भी इनके टूर्नामेंट्स जो इनके डोमेस्टिक्स वगैरह में होते हैं, तो इसने करके दिखा दिया, अब सबको पता चल चुका पत्ते खुल जाते हैं एक बार पता चल जाता तो। और जैक्सन कोलमैन की बात करें तो जैक्सन कोलमैन को हर कोई नहीं जानता, इसका मैंने बहुत बार देखा है कि जो ODD 50 का मैच होता है इसको तब खिलाते हैं, और इसने बहुत रेगुलर खेलता है वहाँ पर, और इसको मैंने 5-5 विकेट पिछले दो साल में इसको 4-3 बार 5-5 विकेट निकालते हुए देखा एक इनिंग में, तो अगर ये कल खेल जाता है तो एक टीम में जरूर ग्रैंड लीग की ट्राई करना है, लिख के ले लो। और ये नेथल कंटरलैंड की बात करें तो ये सबको पता है कौन है, शायद मुंबई ने भी इसको इस बार परचेस करा है IPL में, और बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है ये, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, दोनों से पॉइंट दे जाता है कहीं ना कहीं से, तो इसको स्मॉलिंग में मिस करना नहीं है। बेन डंग की बात करें तो यार इस बंदे को ओपन करवा रहे हैं और ये मजानसी सुपर लीग में बहुत अच्छी फॉर्म में था, तो इसको अचानक नीचे भेजा तो उसकी फॉर्म को उन्होंने ऐसी तैसी करवा ली पूरी, मेडिसन को ओपन करवा के ना मेडिसन ने रन मारे ना इसने रन मारे, और इसे ओपन करवा रहे हैं तो इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, मैं तो चाहे मन भी कर रहा स्मॉल लीग में ले लूँ, बट वही है कि हमारे पास और भी ऑप्शन होंगे, तो जरूर ट्राई करना इसको ग्रैंड लीग में। डिपेंड अंक सैप गॉज को इतना इंपॉर्टेंस मत देना, ग्रैंड लीग में भी इतना पिक बेस्ट पिक नहीं है क्योंकि हमारे पास अपोजिट टीम का विकेट कीपर जॉश इंग्लिश पड़ा हुआ है। क्लिंट हिंचक्लिफ को मैंने बताया था कि पिछले मैच में हमने एक ग्रैंड लीग की टीम में लिया था, इसे जो मेरा पेड वाला ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो आपको पेड ग्रुप ऐड ज्वाइन नहीं करना तो आप यह वीडियो की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अभी टीम बनाइए, मैं नहीं करता किसी को फोर्स पेड ग्रुप में आइए, बट जो बिल्कुल न्यूबी होते जिनको नहीं आती वीडियो समझ के भी वीडियो बनानी टीम बनानी उनके लिए होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने सेम टीम दे दी तो भाई लाखों हज़ारों बंदों का क्लैश होगा, किसी को 1 रुपये नहीं मिलेगा। और जोकर ने भी एक बात कही है, इफ़ यू आर गुड इन समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, तो जो चीज़ में आप अच्छे हो उसको कहीं फ्री में मत करो, तो फ्री में क्या इसके पीछे रीज़न है, आप मेरी ग्रैंड लीग की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है क्या रीज़न है क्या है, तो मुद्दे से भटकते नहीं हम, सीधी बात तो ये है, तो मेरी वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हो, जिसे मैंने 50,000 विन किया था उसकी ग्रैंड लीग में, उसमें मैंने वीडियो में पूरी बात खोल के बताई है। और संदीप लामिछाने की बात करें तो संदीप लामिछाने कौन है, नेपाल का बॉलर है, प्लस ये बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, ये मैंने इसको कंसिस्टेंट अगर ये तो अच्छी टीम है, अगर कोई बेकार टीम आ जाती है जैसे तो उनके खिलाफ ये 3-4 विकेट तो ऐसे ही ले जाता है, जैसे UAE वगैरह के अगेंस्ट खेलता था जब ये, तो वह 4-4 विकेट उसका नॉर्मल बात थी इसके लिए, बट अब यहाँ खेल रहा है ये तो उसको 1-2 विकेट मिल जाती है, पर इसका इस सीज़न को इतना खास रहा है नहीं है, पिट भी रहा है, रन भी खा रहा है और विकेट भी ठीक ज़्यादा नहीं ले रहा, पर पिछले सीज़न तक इसका बहुत नाम था, छाया हुआ था ये, बट अब थोड़ा समझ आ गई सबको। और निक लार्किन की बात करें तो इसको हमने पहले मैच में लिया था, पहले मैच में 0 आउट हो गया था इस सीज़न में, दूसरे मैच में भी हमने इसको लिया था जिसमें से 60 रन मार दिए, जब ये शायद किसी की टीम में नहीं था और हमने 1-sided विन किया था। और तीसरी बात है लेंस मॉरिस की बात करें तो इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, हरीश श्रॉफ को बताऊँ तो इसने हैट्रिक ले ली सीज़न में, प्लस हर मैच में 2-3 विकेट तो ले ही रहा है, तो एक इसको तो स्मॉल लीग में छोड़ोगे तो भाई पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो क्योंकि कभी भी किसी प्लेयर का बुरा दिन हो सकता है। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस कौन है,
इसको बारे में जब बोलने की जरूरत नहीं है, इसने BBL का हाईएस्ट स्कोर मार दिया परसों 147। बॉलिंग नहीं कर रहा है, अगर बॉलिंग में करे तो इसको हम किसी मैच में कैप्टनसी के से ना छोड़े तो इसको कैप्टन बाय कैप्टन वाइस कैप्टन की ये बहुत बड़ी चॉइस है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि स्मॉल लीग में सबकी कैप्टन में दिख जाएगा। पर अगर स्मॉल ग्रैंड लीग में जिन्हें पिछले मैच में हमने छोड़ा था, पिछले से पिछले पहले मैच हमने इसको छोड़ा था ग्रैंड लीग में, तो वहाँ ये चल नहीं रहा था, 6 रन पे 40 किन्नर में जल्दी आउट हो गया था, तो हमें बहुत फ़ायदा हो गया था। मैं ग्रैंड लीग में ऐसा करते हैं, ट्रिक्स लगानी पड़ती है और थोड़े लॉजिक के साथ। डैनियल वॉरेल की बात करें तो इसका बारे में आपको बताऊं तो डैनियल वॉरेल इसको मैंने इस साल इतना अच्छा नहीं करा, पिछले साल इसने एक T20 मैच में इसी BBL में 4 विकेट लिए थे, और उससे पिछले साल में इसने BBL 50-50 ओवर में जो डोमेस्टिक होता है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इसने एक मैच में पाँच विकेट लिए थे। तो मुझे तब से इसमें बॉलर को देख रहा हूँ, मतलब ये मुझे ठीक अच्छा बॉलर लगता है, अच्छा बॉलर लगता है मुझे ये डैनियल वॉरेल, प्लस ये क्रेडिट भी कम है तो हमारे काम आ सकता है ये। तो हम आते हैं टीम बनाने में, तो स्मॉल लीग में कहाँ खेलता हूँ, वो My5Eleven ऐप में खेलता हूँ, आपको पता ही होगा जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे, जिनको नहीं पता तो अभी टीम बनाने का आपको बताऊँगा। सेम जो मेरी ड्रीम इलेवन की टीम होगी वहाँ लगा देनी है My5Eleven में, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर वहीं खेलते हैं और प्लस मैं भी वहीं खेलता हूँ, तो हम काफ़ी आदत हो चुकी है इस ऐप में खेलने की और अच्छी खासी विनिंग करते हैं और एंट्री फीस कम है। अब ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट ऐप है ये, जो मेगा कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पर हम काफ़ी अच्छा विन करते हैं My5Eleven में। सेम पॉइंट सिस्टम है तो सेम टीम जो देता हूँ वो लगा दिया करो वहाँ, और बैंक विड्रॉ, पेटीएम विड्रॉ सब मिलता है वहाँ, इंस्टेंट विड्रॉ भी है 10 सेकंड के अंदर। तो हम टीम बनाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, इंग्लिश को रखेंगे हम, हैंड्स को हम है नहीं, तो ये नीचे इसको आप रख सकते हो, मैंने वहाँ पूरी बात कर दी, मैं हर प्लेयर के बारे में खोल के बताऊंगा नहीं, मैंने सब खोल के बता चुका हूँ। यहाँ पे हम बैनक्रॉफ्ट को नहीं छोड़ने वाले, हम लिविंगस्टन को नहीं छोड़ने वाला, मैं यहाँ पे कार्टराइट को नहीं छोड़ने वाला, मैं स्टॉइनिस मैक्सवेल, ये यहाँ पे हम रॉफ जॉर्डन, ये बड़ी दिक्कत आने वाली है यार, ये स्टॉइनिस ने पूरा, ये रीज़न है बैनक्रॉफ्ट को कम लेने का, एक सिर्फ 22 को ग्रैंड लीग में मत छोड़ना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें क्रेडिट की दिक्कत आ रही है तो हमें इधर कोई देखना पड़ेगा, शायद वॉरल के साथ जाना पड़ जाएगा हमें, वॉरल की 8.5 क्रेडिट कर दिया उन्होंने लग रहा है मुझे, हिंचक्लिफ के साथ जाएंगे हम, फवाद इन्होंने यार पूरा शिट, जॉर्डन रॉफ फवाद जाय रिचर्डसन मैक्सवेल ये लिविंगस्टन कार्टराइट, थोड़े क्रेडिट की दिक्कत आने वाली इस मैच में बहुत भयंकर वाली, इन तीनों को छोड़ना था रिस्क से, मतलब लिविंगस्टन को भी नहीं छोड़ सकते, ओपन कर रहा है बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी, वो जो ट्रिक काम आएगी यहाँ पे, हम इसको भी नहीं छोड़ सकते तो हमें बॉलिंग में थोड़ा करना पड़ेगा ऊपर नीचे कुछ, शायद हम यार इन दोनों को भी नहीं छोड़ सकते, ये विकेट ले रहा है कंटिन्यूस प्लस ये बैटिंग ये भी विकेट लेता है यार, ये बड़ी दिक्कत आ गई यार। रिचर्डसन की जगह हम कुछ और ट्राई करें, जॉल पैरिस को ले सकते हैं पर रिचर्डसन भी विकेट लेता है, या रॉफ की जगह हम रिचर्डसन को ले लेते हैं, कल्टन राइट ले लेते हैं, यहाँ रिचर्डसन ले लेते हैं, जॉल पैरिस की जगह रिचर्डसन, 8 में कोई प्लेयर भी नहीं लग रहा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ग्रीन ले सकते हो बट वही बहुत दिक्कत आने वाली है, तो टेम्परेरी टीम है यही है, फाइनल टीम आपको हम टेलीग्राम में देंगे टॉस के बाद, तो अभी फ़िलहाल ये टीम है टेम्परेरी, तो हम यहाँ पे कैप्टन करेंगे स्टॉइनिस को, वाइस कैप्टन करेंगे इसे, ये तीन ही कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बनाना, मैं लिविंगस्टन को इतना प्रेफर मत करना क्योंकि उसका बॉलिंग कन्फर्म नहीं होता कभी, तो आप ये भी कर सकते हो, मैं मोस्टली मेरे को मैक्सवेल पे ज़्यादा भरोसा है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन ये नहीं करना यहाँ से, तो टेम्परेरी टीम ये है तीन, ये चार ही है स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग की ये, और यहाँ पे डंक लेना अगर ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो बस, और मैं अब आते हैं दूसरे ऐप पे। तो My5Eleven में 3-4 दिन से इंस्टेंट विड्रॉ, मतलब 10 सेकंड में जो विड्रॉ होता है वो बंद था, तो 16 तारीख से वापस स्टार्ट हो रहा है, 10 सेकंड में फटाफट विड्रॉ मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट ऐप है ये मेरे लिए, तो भाई मैं तो जो अच्छे सब्सक्राइबर अच्छे विन कर रहे तो भाई वही बेस्ट है। ड्रीम इलेवन भी मतलब मैं बोल नहीं सकता कुछ, ड्रीम इलेवन में थोड़ा एंट्री फीस ज़्यादा, तो हम एंट्री फीस बचाने के लिए ऐप में खेलते हैं, प्लस हमें कॉम्पिटिशन भी थोड़ा मुझे कम लगता है वहाँ से, तो वहाँ पे तो यहाँ पे हम एंट्री फीस देखो इतनी कम है, वहाँ 57 से 50 लेता है ड्रीम इलेवन, तो यहाँ 5200 रुपये कुछ है, 5100 है तो 5200 रुपये लगा लो, 550 रुपये की 555 रुपये की सेविंग है पूरी यहाँ पे, तो ये मुझे बहुत अच्छी ऐप लगती है, प्लस यहाँ पे बोनस भी हो जाता है 5%, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट में ऑफर मिलते रहेंगे, प्लस 5% आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बैटिंग फैंटेसी खेल सकते हो, 5 बैट्समैन के साथ खेल सकते हो, बॉलिंग में खेल सकते हो, पर बॉलिंग में क्रेडिट की दिक्कत आने वाली नहीं है, तो बॉलिंग फैंटेसी बहुत अच्छे से खेल सकते हो आप,
तो बाकी इन दोनों टीम की मैं टेलीग्राम पे दूंगा कि वीडियो नहीं आने वाली, और अंडर 19 का मैं एक आदि नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वो 11 प्लेयर नहीं खेलते, इसमें 11 से ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं। प्रैक्टिस मैच है तो किसी को बिठा देते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर को बिठा देते हैं, तो इसको खेलने का रिस्क है, तो इसलिए मैं खेल नहीं रहा हूँ। मुझे नॉलेज सब पूरी इन मैचों की कौन कौन सा प्लेयर कैसा करता है, बट रीज़न होता है नहीं खेलने का। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट ऐप है उसके बारे में बताता हूँ। हाँ, अगर आप रेफर कोड डालना बहुत ज़रूरी है इस ऐप में, अगर आपको सेफ़ रहना है, आपके पैसे सेफ़ रहे और आपको टेंशन फ्री होकर खेलना है इस ऐप में, तो क्योंकि किसी यूट्यूबर का रेफर कोड डालोगे तो उनको पता होता है कि किसी रेफर यूट्यूबर के रेफर कोड से जो सब्सक्राइबर आया उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो इसने सारे सब्सक्राइबर को मना कर देना कि मत खेलो, उनका धंधा स्टॉप। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रेफर कोड मेरा ये SARVUT50। तो ये सर मैं दोबारा बताता हूँ, SARVUT50। इसका लिंक आपको टेलीग्राम का भी लिंक और इसका भी लिंक, ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा वहाँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना क्योंकि अच्छा लगता है, कमेंट कर देना कुछ होना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा देना। तो मिल दूसरी ऐप जो बताता हूँ उसके बारे में, लकी इलेवन ऐप में मैं कहता हूँ एक बार सब्सक्राइब कर, इसको साइनअप करके एक बार जरूर इस ऐप पे खेलो, क्योंकि यहाँ भी बहुत कंपटीशन कम लगता है मुझे और यहाँ पे बहुत स्लो लीग फील होती है, तो बहुत जल्दी लीग ज्वाइन कर लेना। BISH ट्रेफर कोड है 7370, यहाँ भी आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका BISHT7370 ट्रेफर कोड है, इसका भी लिंक वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, नए वीडियो के बाद मिलते हैं और चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। और फ्यूचर में बहुत सारे विनिंग्स करने वाले हैं हम, अंडर 19 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला प्लस ये IPL।